गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन। बहुत धोखेबाज हो आप लोग, मेरे को हाँ बोलते हो और आते नहीं हो। तो मात्र 5 बच्चे आए हैं आज की वीडियो के लिए, तो बस एहसान करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कल बाहर जा रहा हूँ। इसलिए अगर नहीं जाता तो किसी के बाप की ताकत नहीं थी जो वीडियो बनवा लें। ओके, हमने टैक्स रिबेट एंड रिलीफ वाला चैप्टर पढ़ लिया। अब रिलीफ वाला चैप्टर पढ़ लिया तो पहले मैं बेसिक आपको इंट्रो दे दूँ कि क्या पढ़ लिया और अब बाकी क्या है। देखा जाए तो सब कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं बचा। 5 हेड की इनकम, उसमें क्लब करना है तो डीम्ड इनकम, उसको आपस में एडजस्ट करना है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, पढ़ लिया। ये 3 स्टेप करने के बाद, अलग अलग हेड की इनकम निकाल लो, डीम्ड इनकम, सेट ऑफ करने के बाद, इसको बोलते हैं अपन ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से माइनस करेंगे अपन डिडक्शंस, माइनस करने के बाद जो आया वो टोटल टैक्सेबल इनकम। आपको टोटल टैक्सेबल इनकम पे हमने टैक्स कैलकुलेट करना भी सिखा दिया। टैक्स कैलकुलेट करने में क्या था सर, कुछ तो थी स्पेशल रेट्स, बाकी सब पे लगती थी स्लैब। लग जाए, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम हो तो 87A की रिबेट, और अगर आपकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो सरचार्ज 10% और 15%, और फिर आखिरी में 4% का क्या लगता था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, ये आ गई टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करो TDS और एडवांस टैक्स जो ऑलरेडी सरकार के पास जमा हो चुका है। अब जो बच जाएगी ये नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो यार हमने आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालना सिखा तो दिया, अब बचा क्या साला। अब आएगा रिवीजन। क्या रिवीजन? क्या आपने जो भी अभी तक पढ़ा है सबको कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन देंगे। मतलब उस क्वेश्चन में आपको 5 हेड की इनकम भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिडक्शंस भी आपको ही माइनस करने पड़ेंगे, फिर टैक्स भी आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब आपको ही करना। तो हर चैप्टर में से थोड़ा 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 पूछेंगे। अभी क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स की नॉलेज लेते हैं तो किसी भी चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज नहीं लेते, सब में से थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं कि बेसिक भी सैलरी में बेसिक मिले, DA मिले और HRA मिले तो सैलरी कितनी होगी। हाउस रेंट में छोटा सा एक क्वेश्चन दे दे कि इतने महीने खाली रहा, इतने महीने किराए पे रहा, ये किराया था, ये म्यूनसिपल वैल्यूएशन था, तो हाउस रेंट अकोमोडेशन कितना रहेगा। बिजनेस प्रोफेशन में 2 इनकम दे देंगे, 3 खर्चे दे देंगे तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कितनी हुई। कैपिटल गेन में एक असेट दे देंगे, इतने में खरीदा इतने में बेचा तो कैपिटल गेन कितना हुआ। अदर सोर्सेज में XYZ 3 जगह से इनकम आ रही कितना हुआ। मतलब देखने में हाथी लगता है लेकिन होता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत छोटे 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 रूल्स आपसे पूछते हैं, बेसिक जनरल नॉलेज वाले जो आपको आते होंगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। बस प्रॉब्लम क्या है कि लेंदी होगा, 5 हेड का फॉर्मेट भी बनाना होगा, फॉर्मेट बनाने के बाद डिडक्शन माइनस करने होंगे, डिडक्शन माइनस करने के लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, फिर आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होगा। डन, ओके सर, सब कुछ सीख लिया, अब चैप्टर का नाम क्या है। बेटा अब आएगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सर क्या होता है ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल वो हमारा सबका बदला लेगा, फैजल है ना, तो ये फैजल की सारी इनकम आप कैलकुलेट करो, टैक्स भी आप कैलकुलेट करो, ये हो गया असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पढ़ लोगे तो असेसमेंट ऑफ HUF, HUF पढ़ लोगे तो असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट यकीन मानना तीनों में मुझे नया कुछ भी नहीं पढ़ा, नॉलेज अपन ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ये असेसमेंट पढ़ाने से पहले पिछले साल सरकार एक नया रूल लेके आई, जिसको बोला कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, वो स्लैब पढ़ी ना 2.5 लाख तक माफ, फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%। सरकार ने इसका एक अल्टरनेट तरीका भी दे दिया। क्या अल्टरनेट तरीका दे दिया कि आपको बहुत सारे डिडक्शंस और बहुत सारे एडवांटेजेस देने के बाद जो इनकम आई उसके ऊपर आपको 5%, 20% और 30% टैक्स देना। अब अगर आप उन डिडक्शंस को नहीं लेना चाहते तो उन डिडक्शंस को वेव ऑफ कर दो, क्या हमें नहीं चाहिए ये डिडक्शन, ATC से लेके ATU तक के डिडक्शन नहीं चाहिए हमको, 35AD की हमारी कोई इनकम है ही नहीं तो हमें नहीं चाहिए। तो अगर आप इन डिडक्शंस को वेव ऑफ कर दो तो हम आपको एक अल्टरनेट स्लैब प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? अल्टरनेट स्लैब, जिसको सरकार बोलती है अल्टरनेट टैक्स रिजाइन। क्या बोलती है? अल्टरनेट टैक्स रिजाइन, कि तुम्हें 5, 20, 30 नहीं देना,
तो अल्टरनेटिवली तुम दे सकते हो 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। उसमें यही आपकी 2.5 लाख वाली स्लैब के टुकड़े 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 हो जाएंगे और कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। अब ये अल्टरनेट टैक्स रिजाइम का आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा। जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तब हम इस चैप्टर पे आएंगे, आपको छोटे छोटे छोटी छोटी वाली स्लैब बताएंगे कि 5% कब, 10% कब, 15%, 20%, 25%, 30% कब 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 है और क्या क्या बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आया? अभी सिर्फ आप थीम समझ लो कि एक आम जिंदगी 5, 20 और 30, एक मेंटोस वाली, उसमें क्या होगा कि आम जिंदगी में जितने बेनिफिट सुख सुविधाएं मिल रही हैं उनको छोड़ो और अब हम आपसे टैक्स क्या ले लेंगे, कम ले लेंगे। पहले आप 5 से डायरेक्ट 20 पे जंप करते थे, अब डायरेक्ट 20 पे जंप नहीं करोगे, 5 के बाद फिर 10% आएगा, फिर 15% आएगा, फिर 20% आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो कुछ सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी। तो अब हमें इस अल्टरनेट टैक्स रिजाइम में 2 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। एक तो ये स्लैब कब 5, कब 10, कब 15, कब 20, और दूसरा कौन कौन सी सुख सुविधाओं को त्याग देना पड़ेगा अपन को, वो दो चीज़ें अपन को पढ़नी। तो जब क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में वापस आएंगे, पढ़ेंगे। अभी आप आ जाओ चैप्टर नंबर 15 पे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और आप देखोगे कि इसमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ रहा है और हमें सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री एम एल गुप्ता फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज अंडर। बिजनेस इनकम इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 51,58,000 ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन 1996, अंडरलाइन करो 1996 और लिखो ATIB और आगे लगा दो डैश। 1996 को बीते हुए बहुत टाइम हो गया, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मिलता तो किस में मिलता, ATIB में। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के तौर पे अपन मेंशन कर देंगे, वो भी मैं सॉल्यूशन में तो वो भी मेंशन नहीं कर रखा, वर्किंग नोट में लिख रखा होगा, लिखा होगा। तो यार बिजनेस इनकम तो डायरेक्टली ही दे दी, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करवाया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, ये भी खुद ने कैलकुलेट करके दे दी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है ना यार, अभी तो 1 ही है, सब कुछ खुद कैलकुलेट करके दे रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो इसके आगे लिख दो 20%, 112 के आगे लिख दो 20%। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर सोर्सेज, रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वाले TDS डिडक्ट नहीं करते, है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, फिर से रिसीव वर्ड लिखा हुआ है पर रिसीव कितना हुआ है, ओनली 15,000, FD पे 40,000 के ऊपर TDS डिडक्ट होता है, तो इस पर भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 10,000, ये भी क्या है आपका, टैक्सेबल। देन ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स आउट ऑफ द अबव मेंशन्ड इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ एंड चिल्ड्रन सम अश्योर्ड 1 लाख ऑन पॉलिसी टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012, 20%, 2012 के पहले 20%, 1 लाख का 20%, 20,000, इसने कितना जमा कराया 28, तो डिडक्शन ATC में कितने का मिलेगा, 20,000 का ही मिलेगा। फिर डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी ATC पूरा मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ हिज वाइफ बाय चेक ATD, 25,000 की लिमिट होती है, 16,000 जमा कराया, डिडक्शन मिल जाएगा। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, लिखो ATG, थर्ड कैटेगरी। डन, पढ़े अपन, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेएबल, अंडरलाइन करो नेट टैक्स पेएबल। और अब अपन चलेंगे फॉर्मेट वाइज, फॉर्मेट में सबसे पहला सैलरी सर नहीं है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है और कंप्यूटेड दे रखा है। मेरी बात सुनना, इसमें 2 कॉलम बन जाते हैं बेटा, दो तो आउटर कॉलम और एक इनर कॉलम। जैसे अगर मैं समझाऊं, अगर हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड नहीं दे रखी होती, आपको कंप्यूट करना पड़ता, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट विच एवर इज हाई स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट, तो एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो ये सारी वर्किंग होती इन 2 कॉलम। और हाउस प्रॉपर्टी का जो फाइनल अमाउंट आता वो आता इधर, समझ में आया, इस आखिरी वाले कॉलम में। तो 5 हेड के 5 अमाउंट आएंगे बस, ठीक है।
हाल फिलहाल तो आपको जो भी दे रखा है कैलकुलेट करके दे रखा है, तो टेंशन नहीं है, डायरेक्टली लिख दो सर। अभी अपन को कैलकुलेशन किसी का भी नहीं करना, हर चीज़ आपको डायरेक्टली गिवन है। कितना है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम? 1,64,000। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है आपका थर्ड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितनी है उसकी इनकम? 2,98,000। सर 2,98,000 में 1,58,000 का जो लिखा हुआ है बेटा, वो तो डिडक्शन वाला पॉइंट था। इनकम तो सारी क्या है? टैक्सेबल। फिर हाउस बिजनेस प्रोफेशन के बाद कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में दो कैपिटल गेन है आपके पास, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना? 15,000। और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना? 50। और आप है ना हमेशा एक बात याद रखोगे, दो बातों को लेके आप स्टार मार्क करोगे, एक कि स्पेशल रेट है, दूसरा TDS है ना। अभी इसमें स्पेशल रेट है तो स्टार मार्क कर लेता हूँ @20%। किसी में TDS भी होगा तो स्टार मार्क करूँगा, TDS @ कितना होगा वो भी लिख दूंगा, ठीक है। अभी TDS किसी में नहीं है। फिर इसके बाद आता है अपना अदर सोर्सेज, 5 अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम है? सर सबसे पहले तो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की 8,000। बेटा आप तो पूरा लिखोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फिर उसके बाद क्या है? FD का इंटरेस्ट, कितना? 15,000। फिर डिविडेंड 10,000, 33,000। पांचों हेड हो गए मेरे, तो पांचों का टोटल करो, ये आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। फाइव लैख 60,000। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन डिडक्शन, जस्ट इसके नीचे से यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डिडक्शंस। सबसे पहला ATC, ATC में दो पॉइंट है आपके पास, कौन कौन से? एक तो वो LIC का 20,000 और PPF का 35,000। 20 + 35 टोटल कितना हो गया? 55,000। फिर उसके बाद ATC के बाद आपको मिलेगा ATD, 16,000 बीवी का शायद है ना। फिर मिलेगा ATG। अब ATG में तो वर्किंग नोट में आपको लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड कैटेगरी है, तो चलो लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होगी तीन चीज़ें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 111A और ATC से ATU। तो यार ग्रॉस टोटल इनकम में मेरी 5,60,000, इसमें से माइनस करूँगा 111A नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 50,000। फिर माइनस करूँगा ATC से ATU, तो 55 और 16, तीन चीज़ें माइनस करो, कितना आया बताओ? 4,39,000। इसका 10% की लिमिट होती है, तो 43,900। और डोनेशन आपने कितना दिया देखो? 26,900। तो लिमिट के अंदर अंदर डोनेशन है, आपको पूरे डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा, कितना परसेंट? 50%। तो 26,900 into 50% कितना हुआ? 13,450। तीनों डिडक्शन माइनस करो तो आ जाएगी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। ₹475,550। डन, ये हो गई आपकी इनकम। अब कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर स्लैब। 550, 475,550। अब इनकम कैलकुलेट हो गई, अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम हो तो उसके ऊपर स्पेशल रेट लगा देते हैं। सर स्पेशल रेट की है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना? 50,000 into 20% कितना हो गया? 10,000। तो ये हो गया डन। फिर लग जाएगी स्लैब। स्लैब लगाने के लिए 4,75,550। -50,000 कितना बचा? 4,25,550। इसमें अप टू
2.5 लाख नील 2.5 लाख से के 4,25,550 8,777.5 डन टोटल करो दोनों का 18,777.5 अच्छा रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा ना क्योंकि टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 6,277.5 क्या लगेगा आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है एट द रेट 4% 250 6,528.6 तो राउंड ऑफ करेंगे इसको 6,530 है ना चेक कर लो यही आ रहा है क्या अरे यार TDS रह गया अपना डिविडेंड पे TDS डिडक्ट होता है कितना 10% है ना 5,000 के ऊपर तो ये मिस हो गया अपना तो 10,000 पे 1,000 TDS डिडक्ट हुआ होगा तो इसमें से 1,000 रुपये और माइनस कर दो आप फिर राउंड ऑफ करेंगे माइनस TDS 1,000 5,528.6 आंसर आ जाएगा 5,530 डन 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कोरोना काल में हालत बुरी चल रही है तो लल्लू से लल्लू क्वेश्चन देते हैं वो यही का यही क्वेश्चन आ सकता है अब क्वेश्चन होता तो सिंपल ही है तो देखो अपन से भी एक चूक हो गई तो TDS का खास ख्याल रखना आप लोग ठीक है चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम और अंडर अल्टरनेट टैक्स रिजाइम है ना एग्जिस्टिंग 5, 20, 30 अल्टरनेट 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना ओके इनकम फ्रॉम सैलरी खुद ने ही बोल रखा है तो अपन तो लाइन से चलते हैं क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज सबसे पहले सैलरी कंप्यूटर दे रखी है शायद आपको कितना 1,20,000 डायरेक्ट आ जाएगा आउटर कॉलम इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी कुछ दे रखा है क्या हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में चेक करो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 684 क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर बिफोर डिडक्टिंग STT मतलब 111A ठीक है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड 5,000 मतलब पे किया है पर अपन इग्नोर करते हैं ठीक है ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वाली बात तो सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि इन्होंने शेयर बाजार के थ्रू बेचा है तो 111A अप्लीकेबल हो जाएगा मतलब स्पेशल रेट 15% लग जाएगी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन सेविंग अकाउंट अदर सोर्सेज ATTTA लिख दो वहाँ पे ATTTA लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A स्पेशल रेट 10% आफ्टर 1 लाख 1 लाख माफ है फिर 10% है 112A पे डोनेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग क्रॉस मार दो इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सर काय को नहीं मिलेगा डिडक्शन फैमिली प्लानिंग का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपनी SSC को मिलता है और किसी को नहीं मिलता ATG में कंपनी SSC को मिलता है और किसी को नहीं मिलता तो इसको तो नहीं मिलेगा क्योंकि अपन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं ठीक है सारी चीज़ें आपने पढ़ ली अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चलो सैलरी 120 हाउस प्रॉपर्टी 0 थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन शायद वो भी नहीं है 0 फोर्थ कैपिटल गेन में पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कितना है 2,20,000 सर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं बेटा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स माइनस नहीं होता फिर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A कितना है 1,60,000 दोनों के दोनों पे स्टार लगा दो क्यों दोनों पे स्पेशल रेट है 15%
एट द रेट 10% अबव 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के ऊपर 10%, डन। फिर लॉन्ग टर्म, इसके बाद 5 अदर सोर्सेस, है ना। अदर सोर्सेस में क्या क्या है आपके पास? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना? 8000। ये हमेशा याद रखना है कि 80 TTA लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, बस डोनेशन है, उसका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पॉज कर, मैं देखता हूँ। या तो फिर यूं होगा कि ओलंपिक्स वालों का ओके, हाँ सही था, ओलंपिक वालों का ओलंपिक एसोसिएशन में डोनेशन देने पे कंपनी एसएससी को मिलता है। फैमिली प्लानिंग का तो सबको मिलता है। फैमिली प्लानिंग का जो कंपनी एसएससी अपन को याद है, वो अपन ने पढ़ा है बिजनेस एंड प्रोफेशन में कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको डिडक्शन मिलता है सिर्फ कंपनी एसएससी को एम्प्लॉयज के फैमिली प्लानिंग पे खर्चा करने पे, ठीक है। तो वहाँ वो बिजनेस एंड प्रोफेशन पे है। 80G में डोनेशन सबको मिलता है और शायद ये 100% वाला ही है। आप आओ पेज नंबर 598 पे, पेज नंबर 598, और इसमें आप थर्ड कैटेगरी देखो, 6th पॉइंट देखो, डोनेशन टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन फॉर इनकरेजमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो 100% है। और जो कंपनी एसएससी कौन सा है? ओलंपिक एसोसिएशन वाला है, कंपनी एसएससी वाला, ठीक है। तो 80G में इसको डोनेशन मिल जाए, डिडक्शन मिल जाएगा आपको। तो पहले तो अदर सोर्सेज निकालो। अदर सोर्सेज में इसके बाद और कुछ भी नहीं है 8000 के बाद? नहीं, टोटल करो, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई? 5,08,000। अब इसमें से माइनस करो आप डिडक्शंस, दो डिडक्शन है, एक है 80G, कितना किया है डोनेशन? 20,000। सर थर्ड कैटेगरी है ना, थर्ड कैटेगरी में तो लिमिट आती है, तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं। 80G को बाद में करेंगे। एक और है मेरे पास 80 TTA, में 8,000 का डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा। अब लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट है 5 हेड की इनकम, मतलब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी? 5,08,000। इसमें से माइनस कर दो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी शॉर्ट टर्म 111A, पहले तो वो माइनस करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कितना है वो? 2,20,000। फिर माइनस कर दो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, कितना है? 1,60,000। फिर माइनस कर दो आप 80C से लेके 80U, जिसमें सिर्फ 80 TTA है हमारे पास, कितना? 8,000। कितना बचा? 1,20,000। इसका 10%, मतलब 12,000 ही आप डोनेशन दे सकते थे और आपने डोनेशन दिया कितना? 20,000। वापस बोल दूं, 80G थर्ड कैटेगरी में जो लिमिट है वो डिडक्शन की नहीं है, किसकी है? डोनेशन की। अगर कोई इस बच्चे को मिसकंसेप्ट हो और वो यूँ कहे कि यार मान लो 20,000 1-2 लेके 5 वाले पॉइंट में था और उसको 50% मिलना हो अपन को, तो 20,000 का 50% 10,000 और 12,000 बीच में लोअर ले लेगा, वो 10,000 ले लेगा, पर ये गलत है। लिमिट किसकी है? डोनेशन की। 12,000 डोनेट करना था, आपने कितना किया? 20, है ना, तो 12 का ही मिलेगा। और 12 पे कौन सी कैटेगरी पे है? 50% वाले पे कि 100% वाले पे? 100% वाले, तो पूरे 12 का मिल जाएगा। अगर 50% वाला होता तो 50 मिलता, सिर्फ 6,000 मिलता। टोटल करो कितना हुआ? 4,88,000 टोटल टैक्सेबल इनकम,
टन 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 टन, एक घंटी यहाँ बच जानी चाहिए 4,48,000 पे। अरे हाँ संजय, छठे पॉइंट पे है, 100% ही है यार, क्या चेक कर रहा है। एक घंटी यहाँ बच जानी चाहिए TTI पे, टोटल टैक्सेबल इनकम में, 5,00,000 से कम है 87A का रिबेट मिल जाएगा उसको 12,500 का, ठीक है। ओके चलो टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले स्पेशल रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कितना है, 2,20,000। रुक जाओ। हाँ, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मींस एक बात ध्यान रखेंगे अपन, स्पेशल रेट वालों पे पहले टैक्स नहीं लगाएंगे, स्पेशल रेट वालों पे बाद में टैक्स लगाएंगे। सर ऐसा क्यों? ताकि जब हम पहले स्लैब अप्लाई करें तो हमें पता पड़ जाए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कंज्यूम हो रही है कि नहीं हो रही, समझ में आया? तो पहले स्लैब अप्लाई करते हैं। अब अगर स्लैब अप्लाई कर रहे हैं पहले, तो इनकम कितनी है, 4,88,000, इसमें से माइनस कर दो 111A की 2,20,000, फिर माइनस कर दो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल के 112, 1,60,000। तो मेरे पास स्लैब लगाने के लिए इनकम कितनी बची, 1,08,000 ओनली। और इसकी कोई एज दे रखी है क्या मिस्टर राम की? एज नहीं दे रखी, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी मानी जाएगी, 2,50,000। तो अप टू 2,50,000 सर कुछ भी टैक्स नहीं देना इसको, और 2,50,000 पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी कंज्यूम हुई भी नहीं, कितनी रह गई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, 1,42,000। 1,42,000 पहले किस में यूज़ करोगे, 10% में कि 15% में? 15% में। तो जब अपन स्पेशल रेट कैलकुलेट करने आएंगे, वो बाप रे इतना बड़ा इरेजर भी आता है ये, अब जब अपन स्पेशल रेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कैलकुलेट करने आएंगे, उसके 2,20,000 में से माइनस करेंगे अपन 1,42,000 की अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा, अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कैलकुलेट भी कर देता हूँ, 2.50 लाख माइनस 1.08 लाख जो अभी स्लैब में आया, 78,000। इस 78,000 का कितना परसेंट, 15%, 11,700 ये टैक्स। फिर आएंगे अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, कितना है उसका, 1,60,000। इसमें सर 1,00,000 रुपए तो क्या हो जाता है माफ, बचा कितना 60,000, इसका कितना परसेंट, 10%, 6,000। कंप्लीट सब, टैक्स कितना आया, 17,700, 87A का रिबेट 12,500, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 208, कोई TDS है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई TDS नहीं है, तो 5408, 5410 चेक करो, रिबेट इस पे नहीं मिली होगी, 6,000 पे रिबेट नहीं मिली होगी, 11,700 ही माइनस किया होगा उन्होंने। इसमें रिबेट क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इसमें 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए ऑलरेडी माफ कर दिया ना, तो रिबेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, रिबेट कैजुअल इनकम पे भी नहीं मिलती है ना, कैजुअल इनकम की जो होती है उसके ऊपर भी नहीं मिलती। तो अब रिबेट 12,500 नहीं मिलेगी आपकी, रिबेट मिलेगी 11,700। टू फोर्टी सिक्स, टू फोर जीरो मैच हो रहा है क्या?
राउंड ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड करो और बेटा पॉज कर जब तक रीड कर रहे हैं बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड करना है आपको और इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड करो तब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी, किस पे स्पेशल रेट है और किस पे TDS है। ठीक है, तीन चीज़ मार्क करनी है आपको, एक तो हेड, एक उसकी टैक्स की रेट और एक उसका TDS। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर राजेश इज एम्प्लॉयड विद अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एट अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। अंडरलाइन करो सैलरी 5000 पर मंथ, मतलब 50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें अलग से देना पड़ेगा। 50000 पर मंथ, 5000 नहीं है, सैलरी दे रखी है तो कंप्यूट अपन को करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना पड़ेगा 50000 का। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू अ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 10% ही जमा हो रहा है तो 12% तक माफ है, और सिर्फ सैलरी दे रखी है, DA तो दे नहीं रखा, सेल्स कमीशन तो दे ही नहीं रखा, तो बेसिक ही है, बेसिक का 12% तक तो माफ़ हो ही जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना अपन को, पूरा माफ़ है। ठीक है, हाँ, लेकिन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी माफ़ होना होता है वो सैलरी के हेड में माफ़ हो जाता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। और इम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी क्या है, टैक्सेबल, उसका डिडक्शन अपन को मिलता है 80C में, है ना। तो ये जो 10% जमा कराता होगा ना इसका खुद का, 50,000 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 6,00,000। 6,00,000 का कितना परसेंट जमा कराएगा, 10%, तो 60,000 का डिडक्शन इसको क्या मिलेगा, 80C में मिलेगा। दोनों बातें क्लियर है, इम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी के एंड में ऑलरेडी टैक्सेबल, पर 80C में डिडक्शन मिलेगा। इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक माफ होता है, ये 10% ही जमा करा रहा है तो सैलरी के हेड में ही क्या हो गया, ये माफ हो गया, डिडक्शन वापस से लेने की जरूरत नहीं है। ओके, द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिमिलर अमाउंट टू दिस फंड। हाँ, हो गई बात, द पर्टिकुलर ऑफ दिस हिज अदर इनकम आर एज अंडर, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस -6,000। अंडरलाइन करो इनकम, मतलब उसने खुद ने कैलकुलेट करके दे रखी है, लॉस है, इसको अपन सेट ऑफ कर लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले साल में हाउस प्रॉपर्टी से, और अगर नहीं हो रहा है तो किसी भी हेड से हो जाएगा। ठीक है, अप टू द मैक्सिमम ऑफ 2,00,000, पर ये तो 6 जा रही है तो किसी से भी एडजस्ट कर लेंगे, जिस पे टैक्स ज़्यादा लग रहा हो उससे एडजस्ट कर लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 112, 1,11,000, इस पर लिखो एट द रेट 20%, टैक्स कितना लगेगा, 20%। ग्रॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अंडरलाइन करो ग्रॉस, लिखो टैक्स एट द रेट 30%, TDS एट द रेट 30%। ठीक है, TDS भी लगेगा इसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 94,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक 54,000, अंडरलाइन करो रिसीव, और लिखो TDS एट द रेट 10%, तो 90% से ग्रॉस अप करना पड़ेगा, 60,000 आंसर आएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स, पहला मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऑन हिज ओन हेल्थ बाय चेक 47,000, इसकी कोई एज दे रखी है क्या, कहाँ पे दे रखा है ये, नीचे लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है, राजेश 61, तो बुढ़ा हो गया है, 25 + 25 = 50,000 = 47,000 जमा कराया मिल जाएगा, तो 80D लिख दो। डोनेशन टू राजस्थान गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अभी तो पढ़ के आए हैं, 80G थर्ड कैटेगरी 100%, सारी बात लिखो वहाँ पर, 80G थर्ड कैटेगरी 100%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना है, नहीं अमाउंट कितना है मेरे में मिसप्रिंट हो रहा है, सब में ही हो रहा है, तो 3,000 दिख रहा है मेरे को, ये कैसे पता पड़ेगा, 80C का अलग से दे भी नहीं रखा। ट्यूशन फीस भी देख लो कितनी है तो पता पड़ेगा ये कितना है, 3,000 ही लग रहा है। हिज 3 सन्स आर स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेज, ही इज पेइंग 1,500, 800, 600 पर मंथ एज देयर ट्यूशन फीस टू स्कूल एंड कॉलेज। 2 बच्चों की माफ़ होती है, तो जिन 2 बच्चों की ज़्यादा है वो माफ़ कर दो, 1,500 और 800 कितना हो गया, 2,300 × 12 करो, 27,600 ये
प्लस आपका रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का 60,000 कितना हो गया, 87,300 है ना, और इन्होंने कितना दे रखा है 90,000, तो 3,000 ही है वो। ठीक है, आप लिख दो उसको, कट करके ढंग से लिख दो आप, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। किसको, ये महजबी और इरम के लिए पेज नंबर 685 इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसमें जो रोमन नंबर में थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में रोमन नंबर में थर्ड पॉइंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू परचेज, इसमें जो मिसप्रिंट हो रहा है, फिगर ढंग से नहीं लिख रहा, उसको कट करके ढंग से 3,000 लिख दो, डन। आगे, अज्यूमिंग मिस्टर राजेश 61 ईयर ओल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस 2021, फाइंड आउट हिज टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी, ऑल्सो सजेस्ट, अंडरलाइन करना चालू कर दो, ऑल्सो सजेस्ट दैट विच टैक्स रिजाइम वुड बी बेनिफिशियल फॉर द असेसी। बताओ कौन सा वाला बेटर है, आम जिंदगी के मेंटोस, अल्टरनेट टैक्स रिजाइम, तो अल्टरनेट टैक्स रिजाइम को अभी साइड पे रखते हैं, पहले आम जिंदगी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अल्टरनेट टैक्स रिजाइम पे जाएंगे अपन। देन आगे क्या लिखा हुआ है, अज्यूम दैट द एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड 9880 बाय वे ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, अंडरलाइन कर लो इस पे, स्टार मार्क कर दो, TDS है 9880 का। ठीक है, सॉल्व करना चालू करें। ओके, सॉल्यूशन 3, बाकी सब पे भी लिख दूं मैं, ताकि इमेज जब शेयर करूं तुम्हारे साथ, अबे चल रहा सबसे पहले सैलरी वाला हेड, सैलरी 50,000 इंटू 12 कितना हो गया, 6 लाख। अच्छा, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉय ऑलरेडी टैक्सेबल, इंप्लॉयर माफ है 12% तक, तो डायरेक्टली माइनस करेंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 5,50,000। अब आएंगे अपन, ये सैलरी हो गया, अब आएंगे अपन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में तो क्या है आपका लॉस है 6,000। अब 6,000 के लॉस को किससे एडजस्ट करना है ये सबसे एंड में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, देखेंगे कौन कौन सी इनकम है, क्या क्या रेट से लग रही है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी यहाँ पे थोड़ी देर। हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन कुछ है क्या, बिजनेस प्रोफेशन मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है बिजनेस प्रोफेशन में, है ना। फिर आएगा आपका कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में दोनों है कि एक ही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है क्या, सिर्फ लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1,11,000। ठीक है, मैं इसको आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर 20% टैक्स है, तो इसको यहीं पर एडजस्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, और कोई इनकम है क्या इसकी, अच्छा इसके बाद कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पहले तो लॉटरी इनकम है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले तो है इसकी कैजुअल इनकम, कितना 21,000, स्टार मार्क कर लेते हैं 30% और TDS भी है 30%। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है 94,000, फिर है आपका FD 54,000 डिवाइड बाय 90% 60,000, स्टार मार्क कर लेता हूँ TDS एट द रेट 10% और ऊपर भी लिख दो TDS अमाउंट बोलो कितना है। ठीक है, और कोई इनकम तो नहीं है मेरे हिसाब से, फिर तो खर्चे ही खर्चे हैं ये दोनों, 1,75,000। अच्छा, आउटर कॉलम में नहीं लिखना चाहिए था, पहले अपन जज कर रहे थे, अब ज़रा देखो मेरे हिसाब से इनडिफरेंट है, पता है क्या इनडिफरेंट है,
इनकम 5,50,000, 1,75,000 नॉर्मल रेट वाली, तो ये कितना हो गया 7,25,000 ये हो गया, और ये कितना है 1,11,000। तो आप ये 6,000 का लॉस कहीं से भी एडजस्ट करो, सब जगह 20% तो लगना है ही सी, ये दोनों मिला के 5,00,000 के ऊपर चले गए, तो 5,00,000 के ऊपर 10,00,000 तक 20% लगता है, तो इसमें से माइनस करोगे तो भी 20%, इसमें से माइनस करोगे तो भी 20%, इसमें से माइनस करोगे तो भी 20%, सब पे 20% लगना है, आप किसी में से भी माइनस कर सकते हो। बुक वालों ने इसमें से माइनस कर रखा तो मैं भी इसमें से कर देता हूँ, तो लेस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस 6,000, यहाँ तो ज़ीरो, और यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी 6,000। कितना? 8,30,000 ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन डिडक्शंस। डिडक्शंस में एक तो है आपका ATC, सबसे ऊपर पहली लाइन में ATC। ATC में दो तीन पॉइंट आगे मैं यही वर्किंग कर देता हूँ। एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का 60,000। सर 60,000 कैसे आया? वो और उसका एम्प्लॉयर 10% जमा कराते थे, तो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी में टैक्सेबल होता है, ATC में उसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है? तो ATC में कितना 6,00,000 का 10% 60,000। फिर आएगा अपना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कितना है 3,000। फिर आएगा अपनी ट्यूशन फीस, कितना? एक की 1,500 और एक की 800, 2,300 इंटू 12 कितनी हुई 27,600। टोटल कितना आ गया 90,600। फिर इस ATC के बाद ATD भी था बुढ़ाओं का शायद, 47,000। फिर है इसका ATD के बाद ATG भी है, ATG में लिमिट देख लो 8,30,000 में से, यही कैलकुलेट कर लूँ, 830 माइनस 105 माइनस ATC से ATU 90,600 माइनस 47, हाँ आएंगे ना यार, अभी तो ATG जी पे ही है। ये कैलकुलेट करो लिमिट कितनी हुई, 8,30,000 के ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस किया सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर माइनस करेंगे अपन 111, ये तो है ही नहीं, तो 9,600 और 4,700। अच्छा वो ATTTB भी इधर से माइनस तो करना ही पड़ेगा अपन को, फिर माइनस करेंगे ATTTB का, ये बुढ़ा हुए गए, हाँ तो 50,000 आ जाएगा इसका, 50,000 वो भी माइनस करो क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है, 6,75,000। बहुत लंबा पड़ जाता है, 6,75,000 का मल्टीप्लाई बाय 10% डोनेशन दे सकते हो 67,500, और एक्चुअल डोनेशन कितना दिया है, एक्चुअल डोनेशन चिंदी सा 8,000 के लिए इतनी वर्किंग करा दी इसने, तो अलाउड कितना होगा 8,000, और उसका भी कितना परसेंट 100%, कितना 8,000 का डिडक्शन, डन। ओए आपस में क्या बात कर रहे हो बताओ ना, तो ये 675 क्यों बोल रहे हो आप, माइनस करो सारी चीज़ें फिर से, ₹5,37,000 5,37,453,740 और 8,000 100% का डिडक्शन मिल गया आपको, ठीक है? और क्या है डोनेशन के नाम पे, मेडिक्लेम हो गया, डोनेशन हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, ATTTB, कितना 50,000 बस, और तो कुछ भी नहीं है। टोटल टैक्सेबल इनकम निकालो प्लीज़, 830 में से 1,2,3,4 माइनस करो,
कितना बोल रहा है? 634। सिक्स लैख 34,400। ठीक है, हाँ ओके। टैक्स कैलकुलेट करें, बार बार आगे पीछे घूमना पड़ेगा यार। पिछले क्वेश्चन में सबक लिया है अपन ने, पहले स्लैब फिर उसके बाद स्पेशल रेट। 6,34,400 स्लैब, 6,34,400। इसमें से स्पेशल रेट वाला एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,05,000 और एक कैजुअल इनकम भी है शायद, है ना? कितना है? 21,000। करो माइनस, कितना बचा? 5,08,400। इस पर स्लैब अप्लाई करते हैं, अप टू 2.5 लाख निल, 2.5 लाख से के 5 लाख 12,000। अरे नहीं 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 नहीं, चोट खा गए ना अपन, बुढ़ाओ है ना ये तो। इतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। 2 लाख का 5% 10,000, फिर 5 लाख से कि 5 लाख 8,400, 8,400 का 20%, 80 डन। अरे अभी कहाँ से टोटल कर रहा है, अभी तो स्पेशल रेट लगाऊंगा मैं। स्पेशल रेट लगाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1,05,000 इंटू 20% कितना हो गया? 21,000। फिर लगाओ आप लोग कैजुअल इनकम 21,000 इंटू 30% 6,300। और कोई स्पेशल रेट है क्या? पीछे जाके देख लो भाई। सैलरी लॉन्ग टर्म हो गया बस, और कुछ भी नहीं है स्पेशल रेट। अब तो सिर्फ टीडीएस का खेल रह जाएगा। 1, 2 और 3, तीन जगह टीडीएस है। टोटल करो टैक्स 38,980। टोटल टैक्स, अरे अभी कहाँ से टोटल टैक्स? थक गया मैं भी शायद। अभी कहाँ से टोटल टैक्स? 87A की रिबेट मिलेगी नहीं? 5 लाख से ज़्यादा है, सरचार्ज लगेगा नहीं? 50 लाख से कम है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लग जाएगा, इससे कौन बचाएगा? एट द रेट 4%, बताओ कितना हुआ? 1,559.2, 40,039.2। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन टीडीएस। टीडीएस तीन जगहों पे था आपका, पहले तो था सैलरी पे, कितना था? 9,880। फिर था आपका सैलरी के बाद किस पे था? कैजुअल इनकम पे 6,300, 21,000 का 30%, है ना? फिर था आपका एफडी पे 60,000 का 10%, 6,000। माइनस करो तीनों चीज, 18,000, 360 हो जाएगा, 18,300। चेक करो भाई सही है कि नहीं, सही है ओके। अल्टरनेट टैक्स रिजाइन भी पढ़ाना है अभी तो। अल्टरनेट टैक्स रिजाइन तो अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे यार, आज पढ़ा देंगे, थक जाओगे तुम लोग। पॉज करो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 687, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में अल्टरनेट टैक्स रिजाइन पढ़ना बाकी है, जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है। दो पार्ट मैंने बोले थे अल्टरनेट टैक्स रिजाइन में, एक तो स्लैब पढ़नी रहती है और एक कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे ये पढ़ने होते हैं। संजय बाद में मैं पढ़ा दूंगा, विश्वास रख, ठीक है? हाँ, आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बहुत सिंपल है और पूरा इलस्ट्रेशन
वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाले पॉइंट पे बेस्ड है कि आपको 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलनी है तो मिलनी है। अगर स्पेशल रेट की इनकम हटा दो और फिर जो स्लैब अप्लाई होने वाली इनकम बहुत कम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, तो उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को अपन स्पेशल रेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल इनकम पे तो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, कैजुअल इनकम पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 80C से लेके 80U के जितने भी डिडक्शंस होते हैं ना, वो डिडक्शन स्पेशल रेट वाली इनकम पे अप्लाई नहीं होते। तब होगा क्या, इधर बंदे की इनकम अगर मान लो 3,10,000 रुपये आ रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कितनी आ रही है 3,10,000, उस 3,10,000 में से 1,00,000 है 111A वाला, 15% लगेगा, 1,00,000 है लॉन्ग टर्म वाला, 20% लगेगा, 1,00,000 है कैजुअल इनकम वाला, 30% लगेगा। तो 3,10,000 में से 3,00,000 तो कौन सी है उसकी, स्पेशल रेट वाली है, तो अदर इनकम कितनी बची, 10,000। अब उसके पास पैसे तो पूरे 3,10,000 आए थे, तो उसने अलग अलग जगह थोड़े ज़्यादा पैसे जमा करा दिए। मान लेते हैं उसका 80C का ही डिडक्शन 50,000 का है, पर 50,000 का डिडक्शन मिलेगा नहीं उसको, क्यों, क्योंकि 50,000 का डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल इनकम है ही कितनी, सिर्फ 10,000। 3,00,000 तो स्पेशल रेट वाली इनकम है, उस पर डिडक्शन नहीं मिलता, डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 10,000 का। तो भले ही डिडक्शन ज़्यादा हो रहा है पर इनकम ही कितनी है, 10,000, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 10,000। समझ में आया। अब इस सिनेरियो में होगा क्या कि सर 3,10,000 में से 3 तो एग्जेम्प्ट हो गए, 10,000 जो बचे तो उसमें डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो मतलब जो स्लैब वाली इनकम थी वो तो क्या हो गई, जीरो, है ना, हुई कि नहीं हुई, स्लैब वाली इनकम तो क्या हो गई, जीरो। अब अगर स्लैब वाली इनकम जीरो हो गई तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो यूटिलाइज ही नहीं हुई। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूटिलाइज करने जाओगे आप किस पे करें, 111A 15% वाले पे करें, लॉन्ग टर्म 20% वाले पे करें, कि कैजुअल इनकम 30% वाले पे करें। सर कैजुअल इनकम पे तो कर ही नहीं सकते, तो लॉन्ग टर्म पे कर लो, उसकी इनकम 1,00,000 है तो 2.5 में से 1 कंज्यूम हो जाएगा। शॉर्ट टर्म पे कर लो, वो भी इनकम 1,00,000 है तो 1.5 लाख में से 1,00,000 और एडजस्ट हो जाएगा, 50,000 की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी क्या जाएगी, वेस्ट जाएगी। समझ में आ गया। बस ये दो ही पॉइंट थे, एक कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल इनकम कौन सी होती है, स्लैब वाली, है ना, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूटिलाइज ना हो तो कैजुअल इनकम में यूटिलाइज नहीं कर सकते, बाकी सब जगह यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एक्सेट्रा ऑफ मिस्टर सुदर्शन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,000, टैक्सेबल है, मतलब कंप्यूट करके दे रखी है उन्होंने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल 112, कंप्यूटेड 80,000, कितना परसेंट, 20%। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस दे रखा है उन्होंने 45,000, तो टैक्स कितना रह गया, 30%, और TDS भी है इसके ऊपर। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 5,000, टैक्सेबल है अब, है ना, तो ये स्लैब वाली इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी 80G फर्स्ट कैटेगरी 100%, डोनेशन टू अप्रूव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसका नहीं मिलेगा डिडक्शन, 80G थर्ड कैटेगरी, मुझे है उसमें थर्ड कैटेगरी, हाँ 50%, और NSC ATC डन, कंप्यूटर टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल ऑफ श्री सुदर्शन फॉर द स्मेंट ईयर। अब ये देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाली बात है, क्योंकि 80G थर्ड कैटेगरी आ गया ना, तो बहुत तसल्ली से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए बारी बारी से सारा कैलकुलेट करा देता हूँ मैं। तो सॉल्यूशन नंबर 4, सबसे पहले दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 5,000, फिर दे रखा है आपको, अच्छा सैलरी नहीं है तो मैंने लिखा नहीं, PGBP नहीं है तो लिख नहीं रहा हूँ, फिर क्या है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000, स्टार मार्क कर देता हूँ कि टैक्स की रेट कितनी है, 20%, फिर है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कितना, 40,000, स्टार मार्क कर देता हूँ एट द रेट 15%, फिर आपका अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में एक है आपका कैजुअल इनकम कितना, 45,000, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, टैक्स भी है 30% और साला TDS भी है एट द रेट 30%। ठीक है,
ओके। फिर इसके बाद है आपका यूटीआई का डिविडेंड कितना 5000 टैक्सेबल है, ये टोटल कितना हो गया 50000, टोटल करो कितना हो गया है 1,75,000 ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस करेंगे इसमें डिडक्शंस, डिडक्शंस में सबसे पहले सिंपल वाला ATC कितना था, ATC लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, NSC कितना 10,000, अरे सॉरी आउटर कॉलम में नहीं जा सकता क्योंकि अपन बात कर चुके हैं अपने पास इनकम ही नहीं है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। स्पेशल रेट, स्पेशल रेट, स्पेशल रेट, तो इन तीन को तो भूल जाओ, इन तीन पे तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, बचा ही क्या साला 5,000, 5,000 का 10,000 ही तो बचा है ना। तो आगे का जो पॉइंट अपन कैलकुलेट करेंगे ना जाएगा तो बेकार, पर प्रेजेंटेशन के नाम पे कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कि ATC हो गया। अब ATG फर्स्ट कैटेगरी 100% वाला कितना है, वो कम्युनल हारमोनी वाला कितना है 10,000, तो ATG फर्स्ट कैटेगरी 10,000 तो ये हो गया। फिर ATG थर्ड कैटेगरी, और मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी लिमिट, और लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ रफ में, ATG लिमिट, लिमिट क्या है इनकी सर, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है 1,75,000 माइनस 111A कितना 40,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, कितना है 80,000 माइनस ATC से ATU कितना है, ATC से ATU वो माइनस कैसे होगा, अभी कितना बचा है माइनस करके बताओ कितना बचा, 55,000 बचा ना। अब ATC से ATU में तो देखो होने में तो अच्छा, ATC से ATU एक्सेप्ट ATG तो सिर्फ क्या है 10,000 ही है, तो 10,000 ये माइनस कर दो, तो या तो 45,000 का 10% 4,500, और इन्होंने डोनेशन कितना दिया 15,000, तो डोनेशन एलिजिबल कितना है 4,500, 4,500 का कितना परसेंट 50% है ना, 4,500 इंटू 50% टोटल हो गया 22,250 है ना, यही हो गया। अब बट एलिजिबल इनकम, कितना है 10,000, विच एवर इज लोअर 10,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका आ जाएगा, तो सॉरी टोटल टैक्सेबल इनकम 1,65,000, क्लियर, समझ में आया, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आएगी स्लैब, और जहाँ स्लैब अप्लीकेबल करने जाओगे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 1,65,000 में से माइनस करोगे आप 80, माइनस करोगे 40, और माइनस करोगे आप 45, तो स्लैब की इनकम हो जाएगी निल, ज़ीरो है ना। अब स्पेशल रेट अप्लाई करेंगे तो पहले लगाते हैं अपन 111A पे, इसकी 111A की इनकम कितनी है 40,000। जनरली मेरे पास अब अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को यूटिलाइज करने के लिए दो इनकम है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 111 है, कैजुअल इनकम पे तो यूटिलाइज हो ही नहीं सकती। और ये दोनों कितना है, एक 80 है और एक 40 है, 120 तो है, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट कितनी बची हुई है 2,50,000, तो पूरा 120 क्या हो जाएगा माफ हो जाएगा, तो 40 माइनस 40 और बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट, तो टैक्स आएगा जीरो। फिर 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 माइनस 80,000 किसका, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट, टैक्स क्या आएगा जीरो। फिर आएगा आपका कैजुअल इनकम,
उसमें कोई लिमिट कुछ माइनस नहीं होगा, वो कितना है 45,000, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 13,500, क्लियर है? पाँच लाख से इनकम कम है तो 87 की रिबेट मिल जाएगी 12,500, 1,000 रुपये टैक्सेबल। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, 40 रुपीज़, 1040। अब माइनस करेंगे अपन टीडीएस इस पे था, कैजुअल इनकम पे, और किसी पे टीडीएस नहीं था। कितना था? 13,500। बाप रे, रिफंड आ जाएगा 12,460। चेक करो, क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।